गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद, नमस्कार। सभी जल्दी से आ जाइए, लाइव सेशन शुरू करते हैं आज का। ओके, आज जो है सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो सेशन है उसमें क्या है, फ्रूट और फ्रूट जो है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप्स में हमको पढ़ना है क्या आज, ऑब्जेक्टिव किसके, डिसीज के, डिसऑर्डर के, और साथ में क्या, इंसेक्ट पेस्ट के, ठीक है, इसके डिसऑर्डर हमको जो है फैक्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंट। ओके, तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके ओके, हेलो सर, सुनील कुमार जी, हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न है आपके डिस्प्ले पर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द डिसीज, एक रोग को पहचानना है, किसको, रोग को, क्या है उसके सिम्टम। सिम्टम ऑक्यूर जनरली ऑन ग्रीन फ्रूट एंड ऑन लीव्स, ठीक है, जो पत्तियां होती है और जो फ्रूट होता है उन पे उसके सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं। इनिशियली ब्राउन और रस्ट कलर्ड, कैसा कलर होने लगता है इसके पत्तियों पर और फलों पर, वो जो होने लगता है भूरे रंग का, या जब फिर ऐसा लगता है जैसे जंग लग गया हो इस टाइप में। ओके, किसके ऊपर, फ्रूट और लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो परिगलन होने लगता है, मतलब गलने लगता है, और क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है, तो उस रोग को पहचानना है। क्या वह रोग एंथ्रेक्नोज है, मतलब श्यामवर्ण है, क्या वह कैंकर है, क्या वह डायबेक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड इवनिंग सुनील, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग राम राम साहब, अमित, अर्पित मिश्रा जी। ओके, तो जल्दी से आंसर करें इस प्रश्न का, आंसर करें जल्दी से, क्या आएगा। चार ऑप्शन है, एंथ्रेक्नोज, कैंकर, डायबेक, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। कैंकर, ओके, बाकी सभी लोग भी आंसर करें जल्दी से, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैंकर, ओके, डी बता रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, आकाश। हाँ जी, गुड इवनिंग विनीत कुमार जायसवाल जी, गुड इवनिंग बता रहे हैं ए, कुतुबुद्दीन, कार्तिक बोल रहे, गुड इवनिंग सर, अनुषा बोल रहे, गुड इवनिंग सर। ओके, ए ऑप्शन भी आ रहा है और डी ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, मतलब आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से किसको, डिसीज को। देखिए यहां पर बोला है जंग लगना, क्या बोला है, जंग लगना, ओके, और फिर बाद में क्या, भूरे धब्बे भी बन जाते हैं। तो मेजरली जो सिम्टम है ये लेके जा रहा है किधर की ओर, कैंकर की ओर, किधर, कैंकर की ओर। अब कैंकर जो होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिम्टम जरूर एंथ्रेक्नोज से मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो इस तरह के जो चीजें हो रही है, ठीक है, मेजरली आप देखोगे किसमें, सिट्रस में, ठीक है, तो ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कैंकर कहाँ होता है, मैंगो में भी होता है और गुआवा में भी होता है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कैंकर इन गुआवा इज ड्यू टू, गुआवा में जो कैंकर होता है उसका कारण पूछा है, किससे होता है, क्या वह बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से, या फिर माइकोप्लाज्मा से। जल्दी से बताइए कि जो गुआवा में कैंकर होता है वो किसके कारण होता है। हाँ, सिट्रस में होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर बताइए, ए बी, ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, ए बी, एमेलोज, ओके, बाकी लोग आंसर करें। हाँ जी, बाकी लोग आंसर करें, टू का आएगा सी, फंगस, ओके, एमेलोज, सी, सी और डी में जो है चल रहा है युद्ध। देखो समझते, हमने भी बोला जो कैंकर है मैंगो में भी होता है, सिट्रस में भी होता है, ठीक है, और गुआवा में भी होता है, तो जो सिट्रस और मैंगो में होता है, ठीक है, ठीक है, वो होता है किसकी वजह से, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, अमरूद में कैंकर की बात करें, तो वो होता है किसकी वजह से, फंगस की वजह से होता है, ध्यान रखना। ओके, प्रश्न आ सकता है यह, फंगस की वजह से होता है इसमें गुआवा में क्या, कैंकर, ओके, ठीक है, गुड इवनिंग अजय राज जी, वेरी गुड इवनिंग, इसका आंसर हो चुका है सी, फंगस। अब अगला प्रश्न पढ़िए, वह समय अवधि बताइए जब आम का फुदका कीट आम के वृक्ष पर क्या करता है, अटैक करता है, हमला करता है, ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन द मैंगो हॉपर अटैक्स ऑन द मैंगो ट्री, ठीक है, समय बताना है आपको किस समय अटैक करता है, दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, या फिर सितंबर अक्टूबर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर फंगस का क्या पूछ रहे हैं सर, सुनील कुमार जी, फंगस का नाम, ओके, अच्छा आप पूछ रहे हैं किसमें, गुआवा में,
गुआवा में फंगस का नाम अभी सडनली याद आ नहीं रहा है, एक्चुअल में जेंथोमोनास बैक्टीरिया से तो गुआवा इसमें कैंकर होता है, किसमें सिट्रस और मैंगो में, ओके मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सडनली। ठीक है आकाश वडोले बोल रहे हैं ए आएगा सर दिसंबर जनवरी, आकाश वडोले बोल रहे हैं ए, ओके ठीक है सुनील जी। हाँ बस समय अवधि बताना जब अटैक करता, देखिए मैंगो हॉपर अटैक करेगा जब फ्लावरिंग टाइम होता है, किसमें मैंगो में, मैंगो हॉपर अटैक करेगा जब फ्लावरिंग टाइम होता है मैंगो में। अब फ्लावरिंग टाइम क्या होता है, वह होता है क्या फरवरी मार्च, क्या होता है फरवरी मार्च फ्लावरिंग टाइम होता है किसमें मैंगो में, और इसी समय जो है मैक्सिमम अटैक करेगा कौन आम का खुद का रोग, तो इसका आंसर हो गया क्या बी, क्या हो गया बी आंसर हो गया फरवरी मार्च। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला है आम का गुच्छा रोग जो है मैंगो मॉल फॉर्मेशन पहली बार कब और कहां पाया गया, ठीक है व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड ये पूछा है, तो क्या वह 1852 में यूपी में पाया गया, क्या 1891 में बिहार में देखा गया, क्या 1893 में बिहार में, या 1890 में यूपी में, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है हाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। बी आ रहा है आंसर बी बी बी, हाँ के बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है टारगेट एमपीपीएससी फैजल खान और कार्तिक, बिल्कुल सही है बी 1891 और कहां पर बिहार में देखा गया था मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है आम में। ठीक है अब ये दो तरह का होता है, एक होता है वानस्पतिक, ठीक है और एक होता है कौन सा पुष्पक्रम वाला, कौन सा पुष्पक्रम, तो मतलब वेजिटेटिव और इन्फ्लोरसेंस दो टाइप का मैंगो माल फॉर्मेशन होता है, पत्तियों की बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है या फिर पुष्प गुच्छ की ग्रोथ हो जाती है, छोटे छोटे फूल बन जाते हैं, तो ये जो होता है। अब ये जो पहली बार देखा गया था कब नर्सरी में, कहाँ देखा गया था नर्सरी में देखा गया था, तो नर्सरी में देखा गया मतलब कौन सा था वानस्पतिक वाला, कौन सा वानस्पतिक मैंगो मॉल फॉर्मेशन देखा गया था। ओके अगला प्रश्न है ब्लैक टिप इन मैंगो इज ड्यू टू, क्या पूछा है आम में काला सीरा रोग किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड या बोरान डिफिशियंसी या फिर सभी, बताना है आपको क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों के बीच में। ठीक है सी ऑप्शन आया है बोरान डिफिशियंसी, जब भी ब्लैक टिप पढ़ने में आता है तो आपको ईंट के भट्टों का जिक्र जरूर सुनने को मिलेगा, ईंट के भट्टे ठीक है जहां पर ईंट बनाई जाती है, ओके और साथ में फैक्ट्रीज जो होती है ठीक है जहां पर क्या लगी होती है चिमनी जहां से निकलता है धुना धुआं, तो ये दो चीज आपको सुनने को मिलेगी जब भी ब्लैक टिप की बात होगी, तो उसके हिसाब से आंसर कीजिए। 5 का बता रहे हैं टारगेट एमपीपीएससी डी, बाकी लोग बता रहे हैं सी और ए, ठीक है सभी लोग आंसर करें। ठीक है देखो जो ब्लैक टिप होता है मेजरली, ठीक है अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो बोरान की डिफिशियंसी से तो होता ही है, लेकिन ये जो है चीजें ईंट के भट्टे और फैक्ट्री ये 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए ऑर्चर्ड से, और इनकी हाइट जो होना चाहिए 20 मीटर से ऊपर होनी चाहिए ताकि जो धुआं है वो ऑर्चर्ड से दूर चला जाए ऊपर चला जाए। ठीक है तो इसका कहने का मतलब ये है कि बोरान की डिफिशियंसी के साथ साथ सल्फर जो है इस ये जो ऑक्साइड बनाता है चाहे वह SO2 हो या फिर SO हो, ठीक है इसकी वजह से भी होता है, कहीं कहीं पे जो है CO की वजह से भी पाया जाता है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार है कि ऑल ऑफ दिस भी है और ऑप्शन आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है अगर ऑप्शन ऐसे होते SO2 और बोरान, ठीक है SO और CO तो इनको छोड़ भी सकते थे क्योंकि मेजर रीजन जो है यह है, ठीक है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ ऐसे डेकोरेट है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा क्या डी, क्लियर हुआ सभी को, ओके आगे बढ़ते हैं। तो बोरेक्स का स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएगा ब्लैक टिप मैंगो का। अगला प्रश्न है फिंगर टिप इन बनाना इज ड्यू टू, केले में फिंगर टिप रोग के कारण होता है, क्या बोला केले में फिंगर टिप रोग के कारण होता है, क्या वो बैक्टीरिया से होता है वायरस से फंगस से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका जल्दी से आंसर करें भाई। जल्दी से आंसर करें क्या भेजा है यहाँ, शो एंड हाइट ओके ए ए ए बैक्टीरिया से, बी बता रहे आनंद शेखर वायरस से,
फिंगर टिप डिसीज जो होती है, ठीक है, फिंगर टिप डिसीज होती है इसमें किससे, बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया, शुडो मोनास बैक्टीरिया से, किससे, शुडो मोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है केले में फिंगर टिप, ठीक है, ओके। अब ये जो है बाकी इनके भी अलग अलग रोग है, जैसे बंचीटाप हो गया, ठीक है, ये सारे रोग वायरस वगैरह से होते रहते हैं। अगला है पनामा विल्ट डिसीज इन बनाना इज मेनली हैपन इन विच टाइप ऑफ कंडीशन, पूछा है कि जो केले में पनामा विल्ट रोग होता है मुख्यतः किस प्रकार की स्थिति में होता है, कंडीशन पूछी है कौन सी कंडीशन बनेगी, तो जो है पनामा विल्ट होगा, क्या वहां पर सेलाइन मृदा होगी और जीवाणुओं का अटैक होगा, क्या वहां पर एसिडिक मृदा होगी और बैक्टीरिया जीवाणु का अटैक होगा, या फिर एल्कलाइन सोइल में वायरस का अटैक होगा, या फिर एसिडिक सोइल में फंगस का अटैक होगा, बताइए जल्दी से पनामा विल्ट किस कंडीशन में होगा, ठीक है, बनाना की कल्टीवेशन में यह रोग किस प्रकार परेशान करेगा, यह पूछा है। चलो बताओ भाई, डी बता रहे हैं एसिडिक सोइल और फंगस, बाकी लोग भी आंसर करें, क्या बैक्टीरिया नहीं आएगा, डी बता रहे हैं, 7D। सुनील जी बोल रहे हैं डी, डी फॉर डमरू, ओके भाई, एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, कंजूसी कर रहे हैं आप, ठीक है। दो कंडीशन बनती है जब यह प्रॉब्लम आती है बनाना में, कौन सी, पनामा विल्ट, विल्ट मतलब क्या, सूखना, ठीक है, जब एसिडिक सोइल होगी मतलब अम्ली मृदा होगी और फफूंद का उस पर अटैक होगा, तो जो है यह बीमारी ज्यादा होगी किसमें, बनाना में, ओके, ठीक है। इसका जो आंसर है वह क्या है, एसिडिक सोइल और फंगस से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फाइंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पियर्सिंग डिसीज इन ग्रेप, किसमें पूछा है कि ग्रेप में जो पियर्सिंग डिसीज है, ठीक है, सॉरी अंगूर में, यानी पियर्सिंग डिसीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, अनसिन्यूला नेक्टर, जाइलोला फेस्टिडियोसा, ठीक है, फेस्टिलियोपसिस टीडी, या फिर प्लाज्मोपोरा विटिकोला, चार ऑप्शन है, ठीक है, हाँ कवक से होता है, सही है, सही बात है अजय भाई, और टारगेट एमपीपीएससी कवक से ही होता है, ओके, ठीक है। इसका आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर कीजिए अनसिन्यूला नेक्टर, जाइलोला फेस्टिडियोसा, ठीक है, पेस्टिलियोपसिस जीडी, या फिर आएगा क्या आपका प्लाज्मोपोरा विटिकोला। अरे नहीं सर सुनील जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं क्या, बी अजय राज बोल रहे हैं कि जाइलोला फेस्टिडियोसा। अब ये बताइए ये जो जाइलोला फेस्टिडियोसा है, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, ये जो जाइलोला फेस्टिडियोसा है यह क्या है, क्या यह बैक्टीरिया है या फिर यह है क्या फंगस, बताना है आपको दोनों में से क्या है यह, हाँ जी बी सही है, जाइलोला फेस्टिडियोसा इसकी वजह से होता है क्या, ग्रेप में पियर से रोग, ठीक है, लेकिन यह क्या है, बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, बताएं भाई जल्दी से, फंगस है, फंगस नहीं है सर, ये बैक्टीरिया है, जाइलोला फेस्टिडियोसा क्या है, बैक्टीरिया है, ध्यान रखिए, ओके आगे बढ़ते हैं। पाइनएप्पल विल्ट इज काउजेड ड्यू टू, किसके कारण पाइनएप्पल या अनानास में विल्ट होता है, ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बैक्टीरिया है राजेश जी, बैक्टीरिया, ठीक है, क्या है बैक्टीरिया, जाइलोला फेस्टिडियोसा, जिसकी वजह से अंगूर में पियर से डिसीज होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है अनानास विल्ट, ठीक है, वापस विल्ट, ये विल्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, पहले पनामा विल्ट आया था, पाइनएप्पल विल्ट आ गया, किसकी वजह से होता है, 9 का बता रहे हैं ए और बी, सी ऑप्शन भी आया है, बी भी आया है, ठीक है, ये जो होता है वायरस की वजह से होता है, और इसको फैलाने वाला जो इंसेक्ट है वह कौन सा है, मिली बग है, कौन सा, लेस मिली बग, जो कि किसमें लगता है, किसमें लगता है, पाइनएप्पल में, ठीक है, इसका वाहक है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, एसिड लाइम, एसिड लाइम मतलब क्या, देसी नींबू, इज अ इंडिकेटर फॉर विच डिसीज ऑफ सिट्रस, मतलब सिट्रस यानी नींबू वर्गी में जो नींबू है देसी, ठीक है, वह कौन से रोग का वाहक है या सूचक है, क्या पूछा है, सूचक है, वाहक नहीं सूचक पूछा है, ऑप्शन है ट्रिस्टेजा, ग्रीनिंग, गमोसिस और कैंकर, इसमें से आपको आंसर करना है क्या आएगा, ट्रिस्टेजा, ग्रीनिंग, गमोसिस और कैंकर, ठीक है, बताइए जल्दी से, गमोसिस आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, क्या आएगा आंसर,
एडी डी आ रहा है आंसर। बताएं भाई सभी लोग जल्दी से, जो देसी नींबू होता है, ठीक है, देसी नींबू जो है किसका इंडिकेटर है, यह पूछा है। टेन का ए बता रहे हैं टारगेट एमपीपीएससी, आकाश फड़ोले बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये जो काम करता है कौन करता है? एफिड करता है, ठीक है। और ये जो एफिड है, ठीक है, इसको फैलाता है किसको? ट्रिस्टेजा को। ट्रिस्टेजा क्या है? वायरस है, ओके। और इसका जो सूचक है कि ट्रिस्टेजा लग गया सबसे पहले कौन बताएगा? देसी नींबू यानी कि एसिड लाइम, ठीक है। जल्दी से इसका बॉटनिकल नेम कमेंट कीजिए, बॉटनिकल नेम जो है इसका कमेंट कीजिए देसी नींबू का, क्या आ सकता है अगर आपको पता है, या फिर आप सीधे से ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्या आएगा वह? साइट्रस रेटिकुलाटा आएगा, या फिर वह आएगा क्या? साइट्रस ओरंटिफोलिया, ठीक है, या फिर वह आएगा क्या? सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है, या फिर वह आएगा सिट्रस लिमेटोइड्स या लिमेटा, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, इस नए प्रश्न का, तात्कालिक प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। ओरंटिफोलिया, ओके, टारगेट एमपीपीएससी बता रहे हैं ओरंटिफोलिया, बाकी लोग भी आंसर करें। देखिए ये जो सिट्रस रेटिकुलाटा है, ये हो गया आपका क्या? मैंडरिन, ठीक है, क्या हो गया? मैंडरिन। अब ये जो सिट्रस ओरंटिफोलिया है, ये आपका हो गया एसिड लाइम मतलब देसी नींबू। ये जो सिट्रस साइनेंसिस है, ये क्या हो गया? स्वीट ऑरेंज हो गया, क्या? स्वीट ऑरेंज माल्टा। और ये जो है सिट्रस लिमेटोइड से है, ये हो गया आपका स्वीट लाइम, क्या हो गया? स्वीट लाइम, ठीक है, ये बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। तो ट्रिस्टेजा लगता है सबसे पहले देसी नींबू में, फैलाता है कौन? एफिड होता है, किससे? वायरस से। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंची टॉप ऑफ बनाना इज नॉन एस, किस नाम से जाना जाता है केले के बंची टॉप रोग को, ठीक है। अन्य नाम पूछा है, क्या है? रंची टॉप है, कैबेज टॉप है, बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, बताएं भाई। हाँ, ओरंटिफोलिया सही है, ठीक है, हाँ, पिछले प्रश्न का आंसर भी सही है आकाश जी, ए आएगा, ट्रिस्टेजा का इंडिकेटर है एसिड लाइम। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, कमेंट करें सभी लोग जल्दी से। बंची टॉप का अन्य नाम पूछा है, बताएं भाई। हेलो, जल्दी से आंसर करें। देखिए पूछा है क्या, केले का बंची टॉप होता क्या है? जो बंच होता है वो, ठीक है, जो लीव्स होती बंच होता है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है रंची टॉप आएगा नहीं, रंची टॉप एक्चुअल में एक और नाम है किसका, मॉल मेल फॉर्मेशन जो होता है मैंगो में, ठीक है, उसमें आपको सुनने में कहीं देखने में पढ़ने को मिल सकता है रंची टॉप, लेकिन इसका जो आंसर है वह क्या है? कैबेज टॉप है। क्या है? कैबेज टॉप है, ठीक है, जो पत्तियां होती है उनमें बंचिंग होने लगती है, ओके। आगे पढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्लैक टिप डिसीज ऑफ मैंगो वाज ऑब्जर्वड, ठीक है, पूछा है कि आम का काला सिला रोग प्रथम बार कहां अवलोकन किया गया, ठीक है, कब अवलोकन किया गया, किसके द्वारा अवलोकन किया गया। अब यहां पर है चार ऑप्शन, चीमा एम धामी, ब्रूनस एम प्रयाग, आर एन सिंह और एच बी फ्रोस्ट, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा संशोधन चाहेंगे, संशोधन ये चाहेंगे कि यहां पर हम लिखना चाहेंगे क्या? वुड हाउस, क्या लिखना चाहेंगे? वुड हाउस, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आनंद शेखर बोल रहे हैं ए, कुतुबुद्दीन कुरैशी बोल रहे हैं ए, ठीक है, सही है, हाँ, सिट्रस ओरंटिफोलिया हो गया। इतना लेट कमेंट आ रहा है सर, कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? देखिए इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है आएगा क्या? ए, ए आएगा। वुड हाउस ने सबसे पहले देखा था क्या मैंगो में? किसको? ब्लैक टिप रोग को, ठीक है। अब ये जो बाकी लोग है, ठीक है, ये संबंधित है किससे? ठीक है, जो प्रूनस प्रयाग, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद में है आर एन सिंह, इन्होंने कैगिंग टेक्निक लाए थे, क्या? कैगिंग टेक्निक, किसमें? मैंगो में। इससे क्या होता है? इससे पोलिनेशन बढ़ता है, जो पुष्पक्रम है उसको पूरा कवर कर दो, अंदर अगर उसमें हाउस फ्लाई है
तो वो अच्छे से पॉलिनेशन कर देगी, क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे फ्रूटिंग ज्यादा होगी तो अल्टरनेट बेरिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये जो है भाई साहब एचबी फ्रॉस्ट, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था क्या, किन्नो, ठीक है। तो ये मैंगो से संबंधित नहीं है, यह किससे संबंधित है, मैंडरिन से, किससे, मैंडरिन से संबंधित है। ओके, तो आपका आंसर हो गया क्या, वुड हाउस। अगला है वेक्टर ऑफ ग्रीनिंग डिसीज इन सिट्रस, ठीक है, इस सिट्रस सिल्ला, कौन है इसका वाहक, सिट्रस साइट्रस सिल्ला इसका वाहक है, ठीक है। तो इसका जो है जूलॉजिकल नेम पूछा, मतलब जीव वैज्ञानिक नाम पूछा है किसका, सिट्रस सिल्ला का, आपको बताना है। ऑप्शन है डाइफोरिना सिट्री, फाइलोक्निस्टी सिट्रेला, टॉक्सोप्टेरा ओरंटी, या फिर पेपिलियो डेमेलस, ठीक है। आपको बता दू सारे इंसेक्ट जो है नींबू वर्गी के हैं, सारे जो कीट है इंसेक्ट है वो कैसे हैं, नींबू वर्गी के हैं, किसके, नींबू वर्गी के, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से क्या आएगा इसका आंसर, ए आएगा, बी, सी या फिर डी। 13 का बता रहे हैं क्या ए, 13 का बता रहे हैं क्या ए, ठीक है, ओके, सही है, ए जो है इसका आंसर है, सही है। क्या है यह आंसर, सिट्रस सिल्ला, क्या, सिट्रस सिल्ला जो है पी साइलेंट है, इसका वाहक है किसका, ग्रीनिंग डिसीज का। अब और भी यहां पर इंसेक्ट है, फाइलोक्निस्टा सिस्ट्रेला, ठीक है, यह क्या है इसका, लीफ माइनर है, तो आप बता दो यह किसका वाहक है, ठीक है, बताइए, ठीक है, यह जो वाहक है किसका है, सिट्रस सिल्ला हो गया, लीफ माइनर हो गया, एक बचा है टॉक्सोप्टेरा ओरंटी, क्या बचा है, टॉक्सोप्टेरा ओरंटी, ठीक है, इतने सारे हैं इसमें। अब ये जो है एक लास्ट बचा है पेपिलियो डेमेलस, ठीक है, ये क्या हो गया, लेमन बटरफ्लाई हो गया, क्या हो गया, लेमन बटरफ्लाई, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट है इसमें बस ये लेमन बटरफ्लाई है जो कि किसी रोग का वाहक नहीं है, लेकिन ये जो तीनों है, ये जो तीनों है ये कहीं ना कहीं एक ना एक रोग फैला रहे हैं, ठीक है, तो क्या रोग फैला रहे हैं। अब ये जो है कौन सा, ओरंटी जो है ये क्या है, एफिड है इसका, टॉक्सोप्टेरा ओरंटी जो है यह क्या है, एफिड है, ठीक है, और एफिड क्या फैला रहा है इसमें, एफिड इसमें फैला रहा है ट्रिस्टेजा रोग, कौन सा रोग, ट्रिस्टेजा रोग फैला रहा है एफिड। अब एक हो गया एफिड्स के द्वारा ट्रिस्टेजा, और ग्रीनिंग फैला रहा है कौन, सिट्रेला सिल्ला फैला रहा है कौन, ग्रीनिंग डिसीज, ठीक है, कौन सी रोग, ग्रीनिंग डिसीज, कौन सा रोग फैला रहा है, कीट फैला रहा है, ओके, सिट्रेला। अब ये जो है फाइलोक्निस्टिक सिट्रेला जिसको कि बोलते हैं लीफ माइनर, ठीक है, यह भी कोई सा रोग फैलाएगा, तो वह फैलाएगा कौन सा, कैंकर रोग, किसको लेके जाएगा यहाँ, तो इसकी जो आदत है जीवाणु को लेके जाएगा, वही जो एफिड है हमेशा वायरस को साथ ले जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वूली एप्पल एफिड्स, ठीक है, इरियोसोमा लैनिजेरम इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, गंभीर कीट है, व्हाट इज द अटैकिंग टाइम पीरियड, ठीक है, इसका क्या है, गंभीर कीट है यह किसका, एप्पल का, साइंटिफिक नेम भी दिया है, इसका हमला करने का समय, हमला करने का समय पूछा है यहाँ पर, क्या हुआ, अप्रैल मई है, जून जुलाई है, अगस्त टू अक्टूबर है, या फिर दिसंबर जनवरी है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या क्या कमेंट आए हैं, डी आंसर आया, हाँ बिल्कुल सही है, कैंकर का लीफ माइनर है, वेरी गुड, सही है, कैंकर का लीफ माइनर, ओके, तो इसका आंसर कीजिए, कब अटैक करता है कौन, एप्पल का वूली एप्पल एफिड, ठीक है, इंसेक्ट कब फ्रूट पर, किसके, एप्पल पे, ठीक है, ये पूछा है, तो बताइए जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आएगा आंसर, बताएं भाई, अप्रैल से मई, जून से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, या फिर आ जाएगा क्या, दिसंबर से जनवरी, ए ऑप्शन आया है अप्रैल से मई, ओके, अप्रैल से मई सर इसमें अटैक नहीं करेगा, आपको बता दो मेजरली जो एप्पल वूली एफिड है यह फ्रूट पर अटैक करता है, ठीक है, तो इस समय तो इसमें फ्रूट आते नहीं है, आते भी है तो कैसे होते हैं, छोटी अवस्था में होते हैं, ठीक है, ओके, तो ये जो है इसमें इरिगेशन का टाइम है, इस समय तो इरिगेशन जो है मई टू जून करना ही पड़ेगा, ठीक है, फ्रूट ड्रॉप की समस्या होती है। अब आपके ऑप्शंस बचे हैं, और क्या आया है, सी ऑप्शन आया है, ओके, वेरी गुड, सी जो है इसका आंसर है, क्या है, सी इसका आंसर है, क्यों है, क्योंकि जो सी है यह इसका क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, क्या, सी वाला, कौन सा वाला, अगस्त से अक्टूबर, ठीक है, और इसी समय यह इंसेक्ट जो है अटैक करता है कौन सा, इरियोसोमा लैनिजेरम, ठीक है, लैनिजेरम, और जो कि क्या है एक इसका कीट है। अब ये जो समय है यह इसका पीक पीरियड है किसका, इरिगेशन के लिए, ठीक है, और ये जो समय है यह इसमें जो है इसमें, ठीक है, स्टार्ट होती है फ्लावरिंग, या फिर यह जो है डोरमेंसी से निकलने की वाला होता है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है
विच पेस्ट ऑफ मैंगो इज ट्रीटेड विथ रेडिएशन, किससे? रेडिएशन से ट्रीट करना पड़ता है। ऑप्शन है आम के किस कीट का विकिरण उपचार करना पड़ता है, ऑप्शन है मैंगो हॉपर, स्टोन बोरर, मिली बग या फिर है स्टोन विविल। ठीक है, क्या है? स्टोन विविल, बताइए। सी सी बी और बी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन भी आ रहा है, 15 का डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, बी ऑप्शन भी आया है, बी ऑप्शन भी आ रहा है, स्टेम बोरर है सर वो, स्टेम बोरर। ठीक है, बी और डी दो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अजय राज बोल रहे हैं डी, किरण बोल रहे हैं डी, आनंद शेखर बोल रहे हैं बी, रितेश राज बोल रहे हैं बी, टारगेट एमपीपीएससी कुतुबुद्दीन बोल रहे हैं डी, कार्तिक बोल रहे हैं डी, वेरी गुड। स्टोन विविल जो है, ठीक है, स्टोन विविल जो है इसके उपचार के लिए अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा विकिरण उपचार, ठीक है, गामा विकिरण से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आम है, ये जो आम है, इस आम में क्या लगी है? गुठली लगी है। इस गुठली में जाके जो है अटैक करता है कौन? स्टोन विविल। तो इसका जो है विकिरण उपचार करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक और इसमें ऐसे इंसेक्ट लगता है क्या? फ्रूट फ्लाई। क्या लगता है? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। अब वो जो है ये फ्रूट फ्लाई क्या करेगा, इस फल के ऊपर जाके क्या देगा? अंडे देगा, एग लेइंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा? अंडे देगा। तो इसके क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए इसको या तो इसको भी विकिरण से उपचार करो, या फिर इसका करो क्या? गर्म जल उपचार। गर्म जल उपचार दो तरह से कर सकते हैं, पानी में डुबोकर भी कर सकते हैं और वाष्प से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल है, किया जाता है कितने समय के लिए? 43 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए एक बंद कमरे में फ्रूट को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाष्प ऊष्मा उपचार हो जाएगा, किसका? फ्रूट फ्लाई के लिए, मैंगो फ्रूट का। अगला प्रश्न है, पिंक डिसीज इन कैजेव नट, पिंक डिसीज इन कैजेव नट इज ड्यू टू, किसके कारण से पिंक डिसीज होती है, किसमें? काजू में, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से क्या आएगा। रितेश राज बोल रहे हैं बी, स्टेम बोरर। नहीं सर, स्टेम बोरर नहीं, एक्चुअल में स्टोन विविल के लिए भी जो है किया जाता है क्या? इरिडिकेशन। बताइए जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप, कि कजेव नट में पिंक डिसीज किसकी वजह से होती है, बताए भाई जल्दी से। जल्दी से आंसर करें सर, सी बता रहे हैं फंगस, ओके, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। इसका जो आंसर है एक्चुअल में क्या है? इसका आंसर फंगस है, ठीक है, क्या है? फंगस है, ओके। फंगस कौन सा है? इसमें जो अटैक करता है फंगस वह है पेनिकुलारिया, ठीक है, साल्मोनी कलर। पेनिकुलारिया साल्मोनी कलर इसका क्या है? पैथोजन है, फंगस है, जिसकी वजह से पिंक डिसीज होती है, किसमें? कैजेव में, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो पिंक डिसीज होती किसमें है? काजू में होती है, दूसरा किससे होती है? फफूंद से होती है, ठीक है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, जो की है कि टी मॉस्क्यूटो बग जो है इंसेक्ट, ठीक है, किस फसल का गंभीर कीट है, सीरियस पेस्ट ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, किस फल फसल का जो है सीरियस पेस्ट है, टी का है, कॉफी का है, कोकोवा है या फिर है कजेव का, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, सभी ने सही आंसर लगाया है, कुतुबुद्दीन, अजय राज, टारगेट एमपीपीएससी, सी ऑप्शन, ओके। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है, कॉफी बता रहे हैं, ओके, बी बी डी डी डी। अब ये जो इंसेक्ट है, मेजरली ये इंसेक्ट है किसमें? कैजू नट में, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा? डी, कैजू नट। कहीं कहीं पे आपको कोकोनट में भी मिल सकता है यह इंसेक्ट, ओके, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है कैजू नट है, ठीक है। अगला है, नींबू वर्गी में ग्रेनुलेशन किसके कारण होता है, क्या पूछा है? नींबू वर्गी में ग्रेनुलेशन किसके कारण होता है?
लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कॉपर डिफिशियंसी या फिर है जिंक डिफिशियंसी, इसमें से आपको आंसर करना है। हाँ जी टारगेट जी, एमपीपीएससी सही बता रहे, काजू आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताएं भाई जल्दी। क्या पूछा है, नींबू में ग्रेनुलेशन जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो जूसी सीड, जूसी हेयर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ग्रेनुअल बनने लगते हैं, मतलब वो खराब होने लगते हैं, ठीक है, किसमें, सिट्रस के अंदर, ठीक है। तो यही पूछा आपसे, ग्रेनुलेशन किसकी वजह से होता है, ऑप्शन आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन आया अभी तक, अजय सर ने बताया है बी आएगा, बाकी लोग भी आंसर करें सभी लोग। हाँ जी हाई टेम्परेचर, ओके बाकी लोग आंसर करें, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, किसमें, ग्रेनुलेशन, किसमें, नींबू वर्गीय फसलों में। ओके पढ़ते हैं अगला प्रश्न, अंगूर में गुलाबी बेरी का निर्माण किसके कारण होता है, क्या, पिंक बेरी फॉर्मेशन, किसमें, ग्रेप में। सबसे पहले तो पिंक बेरी फॉर्मेशन होता है किसमें, ग्रेप में होता है, किसके कारण होता है ये पूछा है, कैल्शियम डिफिशियंसी, बोरॉन डिफिशियंसी, लो टेम्परेचर की वजह से या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से। तो आपको करना है जल्दी से आंसर, बताइए क्या आएगा आंसर, बी आ रहा है आंसर, सब लोग बी बता रहे हैं, बोरॉन डिफिशियंसी, सभी लोग आंसर करें भाई। डी भी आ रहा है आंसर, बी भी आ रहा है। ये जो पिंक बेरी फॉर्मेशन होता है, यह होता है किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। अगर सीधा सनलाइट भी अगर गिर रहा है बंच पर ग्रेप के, ठीक है, अगर ग्रेप के बंच पर सीधा सनलाइट भी गिर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पिंक बेरी फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर पांडाल विधि में आप लगा देते हो इसको, किस विधि में, बावर या पांडाल विधि में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगी, क्योंकि जो बंच होगा वो यहाँ लगेगा, तो ठीक है, थोड़ा सा गर्मी से बच जाएगा, पक्षियों से बच जाएगा, इसमें गर्मी कम लगेगी तो पिंक बॉडी बेरी फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्राउन कॉकिंग, ठीक है, क्राउन चॉकिंग लिखा है इन कोकोनट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, पूछा है नारियल में ताज का रुकना, मतलब जो ग्रोथ होती है कोकोनट की, ठीक है, उस ग्रोथ का रुकना किसकी कमी के कारण से होता है, ये पूछा है। ऑप्शन है सल्फर की कमी, बोरान की कमी, कैल्शियम या फिर वाटर डिफिशियंसी, ठीक है। पहले ही बोल दिया यहाँ पर, क्या, डिफिशियंसी बोल दिया है, कमी बोल दी है, तो आपको बताना है किसकी कमी से यह जो है रोग होता है कोकोनट में, बताइए जल्दी से, कमेंट करें भाई जल्दी, बी आएगा आंसर, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, राजेश जी बोल रहे हैं बी, ओके बाकी सभी लोग आंसर करें क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बताएं जल्दी से, बी बी, ओके ओके ठीक है। बी यानी कि क्या, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन की कमी से इसमें होता है क्या, क्राउन चौकी, ओके। अब देखिए मैक्सिमम आप पाओगे बोरॉन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग भी होता है, क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग, किसमें, मैक्सिमम फ्रूट के अंदर, और यहां पर क्या हो रहा है, क्राउन चोकिंग हो रहा है, चूंकि जो है बर्ड होती है उसमें पाया जाता है क्या, बोरान, ठीक है, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है साथियों, देखते हैं अब आगे। ओ सॉरी, आज का सेशन यहीं पर जो है समाप्त होता है, ठीक है, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे इसी समय, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और अपने और अपनों का ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, वन लाइन फैक्ट ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्योंकि जो एग्जाम में टाइम है वो कम बचा है, ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल शाम को, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।